गीता से अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 27। ये श्लोक आपको देखने में बहुत सीधा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली 29 श्लोक तक अलग अलग सिद्धांतों को भगवान बता रहे हैं, तो इसको पकड़ना बड़ा टेढ़ी खीर है, थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में शायद, लेकिन अब थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो समझ में आएगा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो आप देख सकते हैं जातस्य यानी जिसका जन्म होता है उसकी ध्रुव उसकी मृत्यु होती ही है, और जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु और नहीं जो जन्म जो जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता ही है, ये बात बोल रहे हैं ठीक है। इसलिए जब ये क्रियाएं होनी ही हैं और ये अपरिहार्य हैं, अपरिहार्य मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इनएविटेबल, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, होना ही है, तो फिर तुम शोक मत करो अपनी क्रियाओं को करने में, अपने कर्तव्य को करने में तुम शोक मत करो, ये बात बोल रहे हैं भगवान। एक मिनट हाँ, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। गीता भूषण टीका। शरीर अतिरिक्त है और आत्मा नित्य है। अतिरिक्त का अर्थ होता है एक्स्ट्रा, हिंदी में आप समझते हैं ना अतिरिक्त का अर्थ, ये अतिरिक्त है। यहां पे अतिरिक्त का अर्थ है रिडंडेंट, मतलब जिसका कोई उपयोग नहीं है, जो प्रायः अनुपयोगी है ऐसा शरीर है। शरीर का कोई खास महत्व नहीं है, आत्मा को वास्तविक रूप से इस भौतिक शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये बात बोली जा रही है कि शरीर अतिरिक्त है और आत्मा नित्य है। अब यहां दो शब्दों को समझाया जाएगा, आप मेरा फोन ले सकते हैं। जन्म का अर्थ है पूर्व में जिस शरीर और इंद्रियों का अस्तित्व नहीं था उससे आत्मा का संयोग। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? जिस रूप में आपका शरीर था उसकी शुरुआत कैसे होती है? पिता के वीर्य और माँ के रज के मिलने से होती है, और उससे पहले हमारा ये जो शरीर जो संरचना हुई थी वो कहाँ था? नहीं था। तो ये जो शरीर इस जीवन में हमको मिला है वो था ही नहीं, वो था ही नहीं। वह अस्तित्व में आता है जब आत्मा के शरीर धारण करने का समय होता है, तो आत्मा इस जीवन में जो हम शरीर धारण किए हुए हैं उससे जब संयोग करती है तो जन्म होता है। तो यानी कि शरीर का खास महत्व नहीं है क्योंकि था ही नहीं। मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं ताकि समझ में आए। इंद्रियों का कोई महत्व नहीं है क्योंकि इंद्रियां थी ही नहीं। एक समय में हमारे पास इस जीवन में आंखें भी नहीं थी, उसका भी सृजन हुआ है, स्वीकार करते हैं इस बात को। आंखों का कान का जो इंद्रिय जो शरीर हम देख रहे हैं सबका सृजन हुआ है ना, एक समय से पहले तो नहीं था। आप की उम्र कितना है मान लीजिए 20 साल, हाँ 23, तो 24 साल में तो शरीर नहीं था ना आपका। 24 साल पहले शरीर ये शरीर नहीं था। मेरे शरीर की उम्र है 36 साल, तो 38 साल पहले शरीर नहीं था, ये शरीर नहीं था जो अभी इसमें मैं हूं। तो ये बोला जा रहा है जन्म का मतलब है जिसका अस्तित्व नहीं वो अस्तित्व में आता है, शरीर आता है और उसमें उसका आत्मा का संयोग होता है, तो शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा मृत्यु का अर्थ है इससे आत्मा का संयोग वियोग, मतलब मृत्यु के बाद जो शरीर है यह नहीं रहने वाला है, वह एलिमेंट्स में। आप लोग इधर बैठो तो अच्छा रहेगा, मुझे बार बार ऐसे ऐसे करके बैडमिंटन खेलना पड़ रहा, बैडमिंटन होता है ना इधर से देखो फिर ऐसे फिर ऐसे 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 सामने रहते तो अच्छा रहता। कम इन फ्रंट। तो ये हो रहा है। अब देखिए जन्म और मृत्यु का कारण धर्म और अधर्म है। जब व्यक्ति धर्म करता है और अधर्म करता है उसके अनुसार उसके जीवन की अवधि निश्चित होती है कि नहीं, क्लियर? और इस जीवन में क्या सुख और भोग सुख दुख प्राप्त होने, यह भी धर्म और अधर्म के अनुसार है। यह एक विशिष्ट प्रकार का सिद्धांत है, ये समझ लीजिएगा।
धर्म और अधर्म का आधार जो कि शाश्वत होना चाहिए वही मुख्य रूप से जन्म और मृत्यु का भी आधार होना चाहिए। ये लाइन समझना बड़ा टफ होगा। देखिए, इस जन्म में आप धर्म कर रहे हो या अधर्म कर रहे हो, अगर आत्मा शाश्वत नहीं है तो इसका हिसाब लेने कौन आएगा, इसका हिसाब किसको दिया जाएगा? अगर धर्म, मैंने इसलिए बोला था ये श्लोक थोड़ा टफ होगा, धर्म और अधर्म का संबंध केवल शरीर से है तो इस जन्म में मान ले मैंने दान दिया तो यह शरीर तो अगले जन्म में रहेगा नहीं, तो धर्म और अधर्म का संबंध किससे हुआ? आत्मा से हुआ। इस न्याय को, इस युक्ति को समझ पा रहे हैं? धर्म और अधर्म का आधार शाश्वत होना चाहिए। आधार मतलब जिसे उसका संबंध है। शरीर तो हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, इसलिए धर्म और अधर्म का संबंध शरीर से नहीं है। शरीर के माध्यम से हम धर्म अधर्म करते हैं लेकिन इसका भोगता नहीं है शरीर। ये भी सूक्ष्म पॉइंट है। आप कहेंगे प्रभु जी सुख और दुख तो मैं शरीर से अनुभव करता हूं, तो आप कैसे कह रहे हो कि और धर्म का लाभ जो है या धर्म का नुकसान ये शरीर अनुभव नहीं करता? वो शरीर जिसमें आपने धर्म या अधर्म किया था वह नहीं रहेगा उस धर्म और अधर्म का भोग करने के लिए, नया शरीर मिल जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गई बात? तो यानी जो शरीर है वह धर्म और धर्म का आधार नहीं हो सकता, आत्मा आधार है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है और अधर्म और धर्म का जो चक्कर चल रहा है वह भी शाश्वत रूप से चल रहा है। ये सब ये बहुत टफ है, अगर बहुत सोचना पड़ेगा तब समझ में आएगा। शरीर का जन्म और मृत्यु से गौण संबंध है, तो यानी मुख्य संबंध किसका है? आत्मा का। गौण मतलब होता है सेकेंडरी। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है सब कुछ? आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा समझ में। ठीक है, देखिए अभी आप लोग मजाक करेंगे तो फिर मजाक के लिए क्लास नहीं है। मैं इस क्लास में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि कोई मजाक चलेगा, ये बहुत गंभीर फिलॉसफी है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर मजाक मत करो। तो शरीर और जन्म, शरीर का जन्म और मृत्यु से गौण संबंध है। क्यों गौण संबंध है? क्योंकि जन्म और मृत्यु का संबंध धर्म और अधर्म से होता है। जो व्यक्ति धर्म करेगा उसकी लंबी आयु प्राप्त होती है, जो अधर्म करता है उसकी आयु क्षीण हो जाती है। तो जन्म और मृत्यु का निर्धारण धर्म और अधर्म से होता है, और धर्म और धर्म किस पे आधारित है? आत्मा पे। इसलिए जन्म और मृत्यु का धर्म और धर्म से गौण संबंध है। ये एक विशिष्ट प्रकार की फिलॉसफी है, इसे लोकायत फिलॉसफी कहते हैं, यहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। नहीं, गौतम ही नहीं है, गौतम मतलब न्याय शास्त्र के अनुसार ही फिलॉसफी है। यदि आत्मा शाश्वत नहीं है और यदि इसका अस्तित्व केवल एक जीवन के लिए है तो यह धर्म और अधर्म का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले किए गए कार्यों को, कार्यों के फलों को यह प्राप्त नहीं कर सकेगा। ये लाइन समझ में आई? इस जन्म में आपने कुछ कार्य किए आत्मा से, तो अगर आत्मा शाश्वत नहीं है तो अगले जन्म में कौन भोगेगा उसको? कोई नहीं भोग सकेगा। ये लाइन तो समझ में आ गई। अब नेक्स्ट लाइन इतनी बाउंसर है कि बहुत कष्ट होगा समझने में। और साथ ही वह उन फलों को प्राप्त किए करेगा जो पहले नहीं किए गए हैं। ये समझ में आया? ये नहीं समझ में आया होगा पक्का। इसे समझने में बहुत टाइम लगा मेरे को। क्या बात कह रहे हैं? देखो फिर से समझिए, अगर मेरा शरीर, शरीर तो शाश्वत नहीं है, आत्मा भी शाश्वत नहीं है, तो जो वो कर्म करेगी वह अगले जन्म नहीं भोग नहीं सकती। वो तो कोई नया शरीर है, नई आत्मा है। अब आप विचार कीजिए कि इस जन्म में सबकी यहां पर नाक अलग डिजाइन की है कि नहीं, सबकी बुद्धि अलग डिजाइन की है? नहीं, आप लोग कम बुद्धिमान हो, मैं अधिक बुद्धिमान हूं, है कि नहीं? नहीं, मजाक कर रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति की अलग बुद्धि है, दांत का डिजाइन अलग है, अलग अलग परिवार में पैदा हुआ है, शरीर का सब अलग है। अब अगर आप ये कहते हो कि आत्मा शाश्वत नहीं है तो उसका कारण बताओ, क्यों आप ऐसे दिखते हैं, आप ऐसे सोचते हो, ये स्वभाव क्या है? ये बात समझ में आ रही है आपको? ये इसीलिए लिंक कर रहे हैं, ये न्याय शास्त्र के द्वारा प्रमाणित करते हैं, न्याय युक्ति के द्वारा कर रहे हैं कि देखो आत्मा शाश्वत है। और आप देखेंगे कि इसका उपयोग हम लोग भी प्रचार में करते हैं कि अगर आप कहते हो कर्म का सिद्धांत नहीं है तो ये बताओ कि आप टाटा बिरला क्या क्यों पैदा नहीं हुए?
यानी कोई व्यक्ति अच्छा कर्म किया है तो उसको भोगने के लिए आत्मा दोबारा शरीर ग्रहण करता है और उस कर्म को भोगता है। इसमें कोई सिद्धांत में गड़बड़ नहीं है। जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि वो कहते हैं कि शुद्ध आनंद की कोई स्थिति नहीं होती उनके हिसाब से। मुक्ति में जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भगवान का स्वरूप, भगवान का दासत्व प्राप्त होगा, हमें शुद्ध स्वरूप प्राप्त होगा, हम सुख प्राप्त करेंगे, तो कहते हैं यदि इनके हिसाब से यदि सुख है तो वह है, उसके संग दुख भी होगा, शुद्ध सुख नहीं हो सकता। ये इन लोग की दिक्कत, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शरीर को आत्मा से अलग मान, सॉरी हाँ, शरीर को आत्मा से अलग मानते हैं, आत्मा को शाश्वत मानते हैं, शरीर को परिवर्तनशील मानते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि आत्मा मुक्त होने के बाद, और ये भी नहीं कहते कि आत्मा विनष्ट हो जाएगी। अगर आप लोगों को याद हो, शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुसार हम अपना अस्तित्व, अपना व्यष्टित्व समाप्त कर देते हैं, लेकिन कहते हैं ये कहते हैं ऐसा नहीं होगा, लेकिन कोई गुण नहीं रहेंगे। तो एक तरह से वही कहना होगा कि आत्मा जीरो हो जाएगी, लेकिन कहते हैं आत्मा केवल अपनी शुद्धता में रहेगी, लेकिन कोई सुख दुख का अनुभव नहीं करेगी, कोई दुख का अनुभव नहीं करेगी, ना सुख का अनुभव करेगी। ये उनकी मुक्ति की धारणा है, मोक्ष की धारणा है। मुझे पता है टफ है, लेकिन हम बता रहे हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो मैं जब इस टीका को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि भाई इनके हिसाब से ऐसा है कि मोक्ष होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। मोक्ष तो हो जाएगा इनके हिसाब से, लेकिन मोक्ष में क्या होगा, आत्मा बस अपने में स्थित है, वह कोई भगवान से संबंध नहीं, कुछ नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, बस अपनी शुद्धता में आत्मा स्थित रहती। लेकिन इनका तार्किक ये है, बोल रहे हैं ये तार्किकों का मत है जो गौतम ऋषि के न्याय सिद्धांत को मानते हैं। तो यहां पे न्याय या लॉजिक लगा रहे हैं। लॉजिक क्या लगाया कि धर्म और अधर्म तो आत्मा के संग ही होना चाहिए, अगर आत्मा शाश्वत नहीं है तो धर्म और अधर्म के फलों को भोगने वाला कौन होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, और जिसका मृत्यु हो रही है वह उसका उसकी उसका जन्म अगले होना ही है। तो इसके लिए अपने कर्तव्यों के पालन में व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार भी व्यक्ति को आत्मा के लिए शोक का त्याग कर देना चाहिए। यहां ही शब्द का अर्थ कारण से, अर्थात जन्म जो है वह मृत्यु का कारण है और मृत्यु जन्म का ही कारण। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, अर्थात जन्म जो है वह मृत्यु कारण है, जन्म जिसका हुआ उसको मरना पड़ेगा और जिसका मृत्यु होगी उसको जन्म लेना ही पड़ेगा, ये सिद्धांत है। इस कारण से भी आत्मा को आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शाश्वत आत्मा जो कर्म के नियम के अनुसार जन्म ग्रहण करती है अर्थात जातस्य, उसकी कर्म के विनाश के कारण मृत्यु निश्चित है। उनके हिसाब से कि एक व्यक्ति के कर्म अगर परिपक्व होता है तो उसका डिसाइड हो जाता है कि इतने समय तक वो जिएगा, ये बात बोल रहे हो। मृत्यु के बाद पिछले शरीर से किए गए कर्मों के अनुसार जन्म भी निश्चित है, ये अपरिहार्य है, इसलिए क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है कि यह जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम विद्वान हो। ये तो स्पष्ट है, समझ में आ रहा है, मतलब ये चक्र तो चलना ही है। इसमें जैसे हर बार गर्मी आती है, उसका जाड़ा भी आता है, तब आदमी शोक करे कि मंगल आरती क्यों जाएं, जाड़ा क्यों आ गया, क्या मतलब है। हर बार जाड़ा आता है, हर बार गर्मी आती, कोई नई बात तो नहीं है, यही बात बोली जा रही। यद्यपि तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो भी यह सब लोग अपने कर्मों की समाप्ति के, इस शस्त्र गलत हो जाएगा, के बाद के साथ कह सकते हैं मृत्यु को प्राप्त होंगे, परंतु तुम अपने स्वधर्म से च्युत हो जाओगे। भाई जो इनका कर्म है, अगर जैसे देखा जाए, मान लीजिए अर्जुन युद्ध ना भी करते फिर भी संभावना थी कि युद्ध होता, चलो अर्जुन चला गया कोई बात नहीं, युद्ध तो होता, और भगवान ने इसको आगे दिखाया भी कि तुम युद्ध करो या ना करो ये तो जाने वाले नहीं है, ये तो मारे जाएंगे। तो जो उनका कर्म है उसके अनुसार उनका शरीर तो नष्ट होना ही था, तो तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम इसके निमित्त बन रहे हो तो तुम्हें पाप लगेगा। इनका कर्म के अनुसार इनका शरीर छूटना ही है, अगर इस सिद्धांत को भी तुम मानते हो तो। ये कह रहे, समझ में आ रहा है, कर्म के अनुसार व्यक्ति का शरीर छूट रहा है और कर्म के अनुसार व्यक्ति को शरीर प्राप्त हो रहा है, तो तुम अपना स्वधर्म क्यों त्याग रहे हो, तुम अपने कर्तव्य अपने धर्म को क्यों त्याग रहे हो। यह तो उनके कर्म है कि अब उनको मरना है इस युद्ध में, समझ में। तो ये सिद्धांत अगर इस प्रकार से लिया जाए तो स्वीकार करेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां पर यह है कि वो मोक्ष की धारणा जो है उनकी उनकी थोड़ी गड़बड़ है। हाँ माइक दीजिए, कुल में जन्म लिया तो उसका जो कर्म है वो शिकार करना है,
जाहिर सी बात है, जो इस बहेलिया कुल में जन्म लिया है yes. तो वो अपना स्वधर्म कर रहा है और जानवरों को मार रहा है. स्वधर्म कर रहा है नहीं, देखिए स्वधर्म ना, 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 ना. स्वधर्म में जैसे आप धर्म की बात करेंगे तो शास्त्र की बात आएगी. धर्म हमारे स्वभाव के अनुसार नहीं, धर्म शास्त्र के अनुसार होता है. धर्म मतलब नियम कानून. स्वधर्म की बात नहीं कर रही, वो स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा था. बहेलिया भी तो एक है ना, एक जाति है. एक बहेलिया जाति ना ना ना, ये वर्णाश्रम में नहीं आते. वर्णाश्रम में नहीं आते, वर्णाश्रम के बाहर है. जैसे ही आप धर्म की बात करते हैं, जैसे स्वधर्म की बात करते हैं, तुरंत स्वधर्म अर्थात वर्णाश्रम धर्म, क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अनुसार क्या कार्य करना चाहिए, वह तो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा था. अगर कोई बहेलिया भी है तो उसको ऐसे तड़पा तड़पा के मारने का कोई आदेश नहीं दिया जाता. और एक और अज्ञान के कारण था, अपने स्वभाव के कारण कर रहा था. जैसे पहले जमाने में राजा लोग शिकार खेलने जाते थे और वो शिकार मार के मृग वगैरह मार के लाते थे, तो वो शिकार जाहिर सी बात उसका रुपये उनको पकाता होगा. तो मैंने सुना है कि अगर कोई मांस बेचने वाला अनुमोदन करता है या फिर जो उसको पकाता है, वो सब जो है उस मांस हत्या का दोषी है. यस, तो कहा जाता है कि राजा के लिए शिकार है मांस हत्या. देखिए वो जो राजा था वो जब भी स्वधर्म का पालन कर रहा है उसको हिंसा करनी पड़ती है, क्योंकि हिंसा के द्वारा वह रक्षा करता है. एक तरह की आर्मी ड्रिल टाइप का है वो. अगर वह पशुओं को ना मारे तो उसका क्षत्रिय स्वभाव को उपयोग करना नहीं सीखेगा, बाण चलाना नहीं कर, ऐसा नहीं होता, इतना आसान नहीं है किसी को उठा करके चलो प्रभु आप एक गन लो और लोगों को मार दो 2000 लोगों को. उग्रवादी भी होगा तो नहीं मार पाएंगे आप. उग्रवादी भी सामने खड़ा होगा ना, आपके हाथ से गोली नहीं चलेगी. ऐसा नहीं इतना आसान होता है किसी पर गोली चलाना. ये बहुत गोली है वो भी तलवार चलाना, ये बहुत दुर्दैव दुर्दांत कार्य है. लेकिन समझना चाहिए इस बात को. एक और इसमें कारण है कि जो हिंसक पशु होते थे वो बढ़ ना जाए जंगल में, इसके लिए भी उनको आखेट करते थे. शिकार में हिरण वगैरह भी तो मार के लाते थे. हाँ हिरण भी मारते थे थोड़े बहुत, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि निष्कंटक नहीं करते थे. ऐसा नहीं होता था कि उनकी तो जो प्रजाति है वो समाप्ति हो जाए. तो इसमें 6 जो दोष लगते हैं पकाने वाले को, या ये नहीं लगते होंगे शायद? ये नहीं लगते हैं क्योंकि ऐसा कि क्षत्रियों को बताया गया. लेकिन उसमें भी आप देख सकते हैं जैसे गलती से दशरथ महाराज के संग कितना दिक्कत हुआ था. उनने क्या नाम था उनका, गाय को मार दिया था ना, श्रवण कुमार को मार दिया था, पर उसको इतना बड़ा श्राप लग गया. ऐसे ही क्या नाम है उनका, पांडु महाराज ने एक ऋषि को मार दिया था तो अपराध लग गया था. तो हिंसा का दोष समाप्त तो नहीं होता है, लेकिन उनके थोड़ा बहुत पाप चलता है उनके केस में. जैसे कि द्यूत क्रीड़ा भी एक पाप है लेकिन क्षत्रियों के लिए चलता है. इवन अवैध संघ भी क्षत्रियों को अलाउ किया जाता है कुछ हद तक, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव उनको अपने जीवन में अनुभव करना पड़ता है. प्रभु जी मैंने सुना है क्षत्रिय को अलाउड किया गया है ये आगे. लेकिन पॉइंट हमारा ये है, अभी क्षत्रिय और सदन की बात नहीं कर रहे हैं. पॉइंट ये है कि ये सब लोग अपने कर्म के अनुसार मरेंगे ही. तुम अपने सुधर्म को स्क्लित आको मत, शोक मत करो. ठीक है कि अगर धर्म धर्म जो है आत्मा से संबंधित होता है तो हाँ. उसका कनेक्शन इधर जात से ध्रुव मित्र मुझे समझा नहीं. यस, यहाँ पे कनेक्शन ये है कि आत्मा शाश्वत है और जो उसने धर्म किया है उसके अनुसार शरीर का जन्म और मृत्यु पहले से डिसाइडेड है, पहले से फिक्स हो गया है. तो अब तुम अब आपको जो आपका स्वधर्म है क्षत्रिय की ओर में युद्ध करना है, उसमें आप ये मत सोचो कि आप मार रहे हो, उनका कर्म ही इस प्रकार से इकट्ठा हो गया कि उनको मरना है इस युद्ध में. तो आपको चिंता इसके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए. ठीक है, शरीर का जन्म हो रहा है, शरीर की मृत्यु हो रही है, वो अवश्य भावी, उसको आप रोक नहीं सकते. ऐसा नहीं है कि आप युद्ध नहीं करोगे तो ये लोग मरेंगे नहीं, ये मरेंगे. यस, अनुपम कृष्ण प्रभु भाई कानपुर से आए आज पढ़ेंगे. मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है. स्पष्ट है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके. इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है. Yes. जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध या युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है. तो आप समझ में आ गया होगा आपका उत्तर, आपके प्रश्न का भी उत्तर हो गया कि किस प्रकार से जंगल में भी अगर शेर इत्यादि बढ़ जाएंगे तो फिर वो डिसबैलेंस हो जाएगा, इसलिए ऐसा करते थे. yes. कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था. अपरिहार मतलब टाल नहीं सकते, कृष्ण ने जो चाह लिया वो होके ही रहेगा. yes. और सत्य के लिए युद्ध करना
क्षत्रिय का धर्म है। एक इंटरेस्टिंग बात है समझ में आ रही है, जब गीता भगवान बोलते हैं जो इस गीता का ज्ञान दूसरों को देता है वह मेरे धाम को आएगा, मतलब भगवान चाह लेंगे कि मेरा भक्त, मेरा प्रचारक भक्त मेरे पास आए, तो कोई रोक लेगा? जैसे आईएएस की तैयारी करने के लिए लोग छोटी छोटी किताबें पढ़ते हैं, इतनी पतली पतली 10-10 रुपए वाली, क्या उत्तर है अनुपम कृष्ण? है ना, आईएएस में क्वालिफाई होने के लिए 10-10 रुपए किताब आती है ना, हजारों फिल्मी गीत मोटे उसे पढ़ के पास कर लेते हैं आईएएस पिछले 20 साल क्वेश्चन पेपर खूब मोटे मोटे किताबें होती है, क्वेश्चन पेपर होता है, पढ़ता है, मेहनत करता है ताकि वो छोटे से एग्जाम में क्वालिफाई हो जाए और बाकी जीवन भर दुखी रहे। सत्य बात है, आईएएस ऑफिसर कोई सुखी नहीं रहता है। अब बताइए, हमें भगवत धाम जाना है और हम गीता को सीखना नहीं चाहते, क्या कहा जाएगा? और जब सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे क्या? और जब सीखेंगे नहीं सिखाएंगे तो भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे? हाँ, हरे कृष्णा करके, लेकिन हरे कृष्णा भी बेटा आप इसीलिए कर रहे हो कि किसी ने आपको प्रचार किया, वो व्यक्ति भी सोता रहता तो हम भी हरे कृष्णा नहीं कर रहे होते। उतना जुनून नहीं जितना आईएएस बनने वाले व्यक्ति के अंदर होता है। और होना चाहिए। एक्चुअली जुनून से काम नहीं चलेगा, यहाँ सतोगुण से काम चलेगा। दिक्कत ये है कि जुनून सेंस जुनून भी चाहिए कि जोश भी होना चाहिए, जैसे ध्रुव महाराज का जोश था, लेकिन होश भी नहीं खोना है। पैशन शुड बी गाइडेड बाय गुडनेस। गुडनेस, यस। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि कम से कम इच्छा तो होनी चाहिए, खुद तो सीखे भाई, दूसरों को आगे सिखाएगा बाकी बात। हम क्या कहते हैं, समझ में नहीं आया छोड़ो, समझ में नहीं आया छोड़ो, अरे भगवान से प्रार्थना करो। आपको पता है अद्वैत आचार्य जी को एक गीता का श्लोक समझ में नहीं आ रहा था, वो खाना खाना छोड़ दिए। हम लोग कहेंगे आप, हम लोग कहते हैं समझ में नहीं आ रहा छोड़ो, कोई बात नहीं, बंद करो सो जाते, क्या दिक्कत? ये नहीं होना चाहिए, समझ में आना, प्रयास करना चाहिए। बहुत गुह्य ज्ञान है, एक्चुअली हम लोग हल्का लेते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है, तो प्रयास करना चाहिए अपने अपने भले के लिए और दूसरों के भले के लिए। पढ़िए आगे, अभी पहले गीता पढ़ लीजिए, चलिए। हाँ, अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि कानून को अर्जुन पे आरोप लगाना आसान है, और अपनी चिंता करनी चाहिए कि हम कितना सुधर्म का पालन करना चाहते हैं। हमारे सामने क्या लक्ष्य नहीं है कि हमें भगवान के प्रचार करना है, भक्ति करनी है, और परिवार वालों का लेबल लगा लगा करके लोग जो है शोकाकुल हो जाते हैं कि ये हो कर दिया, ये हो गया, माता ने ये बोल दिया तो इसलिए नहीं कर सकता है, पिताजी बोल दिए उनको हार्ट अटैक आ जाएगा, ये हो जाएगा। जो जिसका कर्म है, हो सकता हम उनके पहले ही मर जाए, नहीं मरते लड़के, कितने सारे लड़के मर जाते, तो ये नहीं सोचना चाहिए। जो जिसका कर्म है वो तभी मरेगा, उससे पहले नहीं मर सकता। पढ़िए। वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनमें वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। बहुत स्पष्ट है, जो हमने टीका में पढ़ा था वही बात हम समझ रहे हैं कि उनका मरना अवश्य भावी था, उनको रोक नहीं सकता था, और उसे अपना कर्तव्य का पालन करना चाह रहा था। हमें ये बस हम आपको रिवाइज करा रहे थे कि धर्म और अधर्म का संबंध आत्मा से है, शरीर से नहीं है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है और वही धर्म अधर्म के फलों को भोगने के लिए अगले जन्म में आएगी। इस कारण से जिसका जन्म हो रहा है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, मृत्यु भी जिसकी हुई है उसका जन्म अवश्यंभावी है, ये क्रम चलता रहेगा। इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए और व्यक्ति को अपना सुधर्म करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता एक प्रश्न है। हाँ, ओके, प्रश्न है, मुझे लगा था कंप्यूटर बंद करने वाले थे। नहीं नहीं, ये थोड़ा सा क्लियर करना है, हालांकि कुछ कुछ क्लियर है लेकिन एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। जैसे शरीर तो मरा हुआ है, राइट, तो फिर भगवान इस चीज को क्यों बोल रहे हैं मरता है, तो मरता कौन है वास्तव में? शरीर नहीं मरता है, ये तो हमने सीखा था। जन्म मतलब आत्मा का अपने कर्म के अनुसार एक विशेष शरीर जो कि पहले नहीं था उसे संयोग होना। मृत्यु मतलब जो शरीर आगे नहीं, इस शरीर का आत्मा से वियोग हो जाना, ये मृत्यु है, ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे शरीर की ही बात की गई है। हाँ, देखिए शरीर का जन्म मृत्यु नहीं होती है, जन्म और मृत्यु एक प्रोसेस है। जो शरीर नहीं था उससे आत्मा का संयोग होना ये जन्म है, और उस शरीर से वियोग होना ये मृत्यु है।
ये नहीं बोला जा रहा है कि शरीर की मृत्यु हो रही है, ऐसा नहीं बोला जा रहा। हम सामान्य भाषा में बोल जरूर देते हैं कि शरीर का जन्म होता है, लेकिन जन्म का मतलब है आत्मा का संयोग होना उस शरीर से। मेक सेंस? ठीक है। और फिर इसमें आत्मबुद्धि कर लेना कि मैं शरीर हूं। कुछ माइक पे पूछिए अगर पूछना चाहते। एक लाइन है इधर, यह अपरिहार्य है इसलिए क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है यह जन्म लेता है। यस, जो बद्धात्मा है उसका जन्म होगा ही, और जब वो मरेगा तो उसके बाद, सॉरी, जब मरेगा तो उसका जन्म होगा ही, और जन्म लिया तो मरेंगे ही। सिंपल सी बात, आप मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मैं मरूंगा कि नहीं? सबको मरना है, अपरिहार्य है, आप उसको रोक नहीं सकते। तो अब इसके लिए, और हमारी माता जी को भी मरना है, पिताजी तो मर ही गए, सबको मरना है। तो उनके लिए रोने से, कि अगर मैं भजन कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं भजन कर रहा हूँ, जैसे अर्जुन को युद्ध करना था, मैं भजन करना, तो मैं अगर संकीर्तन आर्मी में चला गया, युद्ध चालू कर दिया, भजन कर रहा हूँ, तो मेरी माता जी रो रो के मर जाएंगी? रो के नहीं मरने वाली हूँ, वो अपने कर्म से मरेंगी। कर्म के अनुसार जो जितना समय है उतना भोगना, भोग के मर जाएंगी। जैसे आप देख सकते हो, बड़ा स्पष्ट उदाहरण है ये, मैंने पढ़ा था, मैंने सुना था, मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका में पढ़ा कि किस प्रकार से जब नारद मुनि छोटे बच्चे थे तो उनकी माँ उनको प्रेम कर रही थी, उनको जाने नहीं दिया, वन में जाने नहीं दिया, तो भगवान ने कृपा करके उनकी माता जी को सांप के द्वारा डंस करा करके मार दिया। उन्होंने अपनी माँ की अंत्येष्टि भी नहीं करी, चले गए। पहले जब मैंने सुना था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन उसमें लिखा अंत्येष्टि भी नहीं करी, चले गए। हाँ, आग लगा दिया था झोपड़ी में, ऐसा हमने नहीं पढ़ा उसमें, ऐसा नहीं, आपने सुना होगा लेकिन मैंने कहीं पढ़ा नहीं। वो ड्रामेटाइजेशन किया जाता है, कुछ भी अंत्येष्टि नहीं किया, ये लिखा है, मैं दिखा दूंगा आपको, टीका में लिखा है, अंत्येष्टि नहीं किया और चले गए। तो आप देख सकते हैं कि, या जैसे श्रीधर स्वामी जी के, जिस दिन उनको संन्यास लेना था, उधर उनका बच्चा जन्म हुआ, तो कह रहे क्या करूं मैं, तो देखा छिपकली का बच्चा जन्मा, तो तुरंत उसके लिए कीड़े की व्यवस्था होगी। कहने का मतलब ये है कि जो हमें भक्ति करनी है उसको भी अपरिहार्य मानते हुए, मतलब ये जन्म मृत्यु तो चलता ही रहेगा, अपने भक्ति कर्तव्य में दृढ़ रह करके, स्थिर रह के भक्ति करना चाहिए, ये हम सीखते हैं श्लोक से। हरे कृष्ण, श्रीमद्भगवद्गीता की जय। श्री प्रभु।